ट्रैफिक लाइट है 19 सितंबर 1967। बच्चों को शौक होना चाहिए क्योंकि हर एक अपने लिए बाप का स्थापन करते हैं। ये तो निश्चय है कि शिव बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और गुरु भी है, ये निश्चय है ना। कौन है बाप टीचर गुरु? शिव बाबा एक व्यक्ति का नाम है या बाप अलग व्यक्ति है, टीचर अलग व्यक्ति है और सदगुरु अलग व्यक्ति है? एक ही है, एक ही व्यक्ति माना एक पर्सनालिटी। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस बात पर पक्का निश्चय है, पक्का निश्चय का मतलब वो बाप के रूप में हमें जन्म देने वाला भी है, बाप के रूप में वर्षा देने वाला भी है, टीचर के रूप में जो भी टेक्स्ट बुक है गद्य हो या पद्य हो, प्रोज हो या पोएट्री हो, जो भी गीता है उस गीता के वर्सन्स को क्लैरिफिकेशन देने वाला है। टीचर का काम होता है व्याख्या देना, एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे करके समझाना। तो वो हमें समझाने वाला टीचर भी है। जो भी गीता माता से गीता ज्ञान आया, गीता के वर्षन आए, उन वर्षन को गहराई से अच्छी तरह समझाने वाला है। वो सुप्रीम टीचर है, समझाने में उसकी सुपर मेसी है, माने उससे ज्यादा अच्छा और क्लियर करके कोई समझाए नहीं सकता। दूसरी बात, वो सबको समझाने वाला है लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं, इसलिए सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम फादर है। वो सबको जन्म देने वाला है, सबकी आत्मा को पता पड़े कि मैं आत्मा कौन। लेकिन उसको जन्म देने वाला कोई नहीं, उसको कहते हैं सुप्रीम फादर। वो सबको वर्षा देने वाला है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है, सबको आकर के सुख शांति का वर्षा देता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उसको किसने दिया, कौन है साकार में जो उसको देने वाला है। तो ढेर होते हैं और गुरु साकार ही होते हैं,
वो सब गुरुओं का गुरु है, उसका कोई कोई गुरु नहीं। वो सबको सदगति देने वाला है, परंतु उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं। सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। पहले बुद्धि की सदगति करता होगा कि पहले शरीर की सदगति करता होगा? पहले बुद्धि की सदगति करता है। मन बुद्धि माने ही आत्मा। जब बुद्धि की सदगति हो जाती है सीढ़ी चाहती है ना, तो प्रधान तत्व सामान्य रजो और तमो चार अवस्थाओं से नीचे गिरी, तो बुद्धि को चार अवस्थाओं से ऊपर भी चढ़ना होता है। तो बाप आकर के बुद्धि को सदगति मिले जाती है, श्रेष्ठ गति मिले जाती है। बुद्धि की श्रेष्ठ गति क्या है? कोई भी दुष्ट संकल्पना आने पाए, सब संकल्पाएं, जो भी संकल्पाएं श्रीमत के अनुकूल आए, श्रीमत के बरखिलाफ एक संकल्प मात्र भी बुद्धि में ना आवे, उसको कहेंगे बुद्धि की सदगति। वो बुद्धि की सदगति फट से होती होगी या उसमें भी टाइम लगता होगा? कहते हैं उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधी सीढ़ी उतरे हो 5000 साल में, फिर एक जन्म में उल्टी सीढ़ी चढ़ाते हैं, उसमें भी पहले बुद्धि की सदगति और बाद में प्रैक्टिकल शरीर की भी सदगति करते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा की सदगति करके वापस चले जाते हैं, नहीं, आत्मा के साथ साथ आत्मा जिस शरीर रूपी नवैया में बिछैया है, उस नवैया और शरीर दोनों की सदगति करते हैं। जैसे कहते हैं मैं धोबी हूं, कोई धोबी कपड़े ले ले और कहे कि कपड़े हमें इस जन्म में दे दो, अगले जन्म में तुम्हें नए कपड़े दे देंगे, इस जन्म में कपड़े फाड़ के रख दे, तो कोई धोबी से धुलवाने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र अथवा शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का सिवैया हूं, और इसी जन्म में तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को धोता हूं। जो सर्प का मिसाल दिया जाता है, ऐसे नहीं कि सर्प मर जाता है, तीन चार बार जैसे सर्प फल त्यागता है बाद में जैसे छोड़ता है, तो तुम्हारी भी बुद्धि की सदगति में चार आया हूं। तो प्रधान सूची होती है सतयुग की, त्रेता युग की सूची होती है, फिर द्वापर युग की सूची होती है, फिर कलयुग की सूची होती है। चार युगों की सूची में जो चार आयाम होते हैं उसमें तुम्हारी बुद्धि की पूरी सदगति हो जाती है। क्या सबकी हो जाती है? सबकी सदगति नहीं होती, निश्चय बुद्धि विजयी आदि से लेकर के अंत तक जो एक बाप एक टीचर एक सदगुरु के ऊपर निश्चय पैदा करते हैं, उसमें भरमाने वाले ढेर आ जाएंगे। 2000 वर्ष क्या हुआ? भगवान बनकर के ढेर सारे गुरु बीच बीच में आते रहे,
और उन्होंने सदगति की या दुर्गति की? सबसे जाति कौन से देश वासियों की दुर्गति की? भारतवासियों की ही क्यों दुर्गति की? क्योंकि भारतवासी जो आया उसके सामने सत्य वचन महाराज कहने के आदि, जिसने जो सुनाया वो सुन लिया, मान लिया और चल पड़े। तो भारतवासियों की सबसे जास्ती दुर्गति होती है। जो सामने आता है उसी को गुरु बना लेते हैं। अभी बात कहते हैं कि मैं सिर्फ गुरु के रूप में नहीं आया हुआ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ। अभी तो पक्का निश्चय हो जाना चाहिए। समझते हुए भी कब कब भूल जाते हैं क्या? ये समझते हैं कि यही हो सकता है हमारा बाप, टीचर, सदगुरु और कोई दूसरा, तीनों लकबधारी नहीं हो सकता, फिर भी भूल जाते। माया भुलाई जाती, कोई न कोई रूप में माया आ जाती। किस रूप में आती होगी? या तो पुरुष रूप में आती होगी, या तो कोई स्त्री रूप में आती होगी। तुम जानते हो कि यही हमारा बाप दादा है, ये हमारा बाप भी है और इसमें हमारी जो भी मनुष्य शक्ति की आत्माएं हैं उन सबका बड़ा भाई भी इसमें मौजूद है। दादा, ये हमारा बाप भी है और इसमें हमारा दादा भी है। कैसे दादा? कैसे? ब्रह्मा जो चंद्रमा के रूप में विराजमान होता है, किसमें? जगत पिता। शंकर के लिए शास्त्र में कहते हैं ना, जगतम पितरम बंदे, जगत का पिता है। उसका कोई पिता शास्त्रों में गाया हुआ नहीं, वो सबका साकार पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं। हिंदू भी मानते आदिदेव के रूप में, तुम आदिदेव पुरुषर पुराण। क्रिश्चियंस भी मानते आदम के रूप में, मुसलमान लोग भी मानते आदम के रूप में। आदम कहो, एडम कहो, बात तो एक ही। तो हर धर्म की मनुष्य आत्माएं शक्ति के पहले पुरुष को मानती है, वो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं। तो बोला कि तुम अच्छी तरह जानते भी हो कि हमारा बाप भी है, आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, और इसमें साथ साथ दादा भी है। दादा मानो, इस मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है, बड़े से बड़ा भाई है, वो भी इसमें मौजूद है। ये जानते भी कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, बच्चों की निश्चय भी होता है कि हम ऐसे विश्व पिता के बच्चे हैं जो सबका बाप है, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, सतगुरु है। एक ही सदगुरु है दुनिया में और बाकी सब गुरु है। सतगुरु एक और गुरु अनेक, तो भी साबित हो जाता है कि सब गुरु झूठे और एक सदगुरु सच्चा। इतना भी जानते हैं कि ऐसा बाप टीचर सदगुरु हमको मिला हुआ है जो हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। मैं मालिक बनने वाला हूं, फिर भी माया के तूफान इतने आते हैं कि उनकी तेज से नहीं बिगड़ा देते।
इतनी ख्याल आते रहती है। तुम भी समझती हो कि जब बाप से हम बरकत लेने वाले हैं ना, तो ना चाहते हुए फिर भी विकर्म विपरीत कर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए, विपरीत कर्म क्या होता है? बाप ने कहा पवित्र रहना है, बाप ने कहा अपनी विचारी याद में रहना है, बाप ने कहा कर्मेंद्रियों को अपनी विचारी बनाना है, फिर भी क्या कर लेते हैं? फिर भी अपवित्रता धारण कर लेते, कर्मेंद्रियों को भी अपवित्र बनाए देते, ज्ञानेंद्रियों को भी अपवित्र बनाए देते, कान से एक की बात सुननी है, एक से ध्यान सुनना है, या अनेकों से ध्यान सुनना है? एक से सुनना है, लेकिन फिर क्या कर लेते? अनेकों से सुन लेते। आंख से एक को देखना है या अनेकों को देखना है? आंख एक में डूबनी चाहिए या अनेकों में डूबनी चाहिए? श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है एक में डूबनी चाहिए, फिर क्या कर लेते? फिर अनेकों में आंख डूब जाती है। तो कितने माया तूफान लाती है, न चाहते हुए भी विकर्म अर्थात अकर्तव्य, जो कर्मेंद्रियों से कर्तव्य नहीं करना चाहिए वो ही कर्तव्य कर लेते। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, तो भी वो बच्चे भी लिखते हैं कि बाबा मैं याद में एक घंटा भी नहीं ठहर सकता हूं। दुनिया समझते हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये तो बाबा की ही सर्विस में लगे रहते हैं, 24 घंटे बाबा की भाग दौड़ में सेवा में रहते हैं। और बाबा ने रिजल्ट क्या दिया? आधा घंटा भी बाबा की याद में नहीं दे सकते। लक्ष्मी नारायण सीढ़ी के चित्र छप रहे हैं, एक एक चित्र भी 10,000 छपवारे हैं। ये मुख्य चित्र है, गीता के भगवान वाला भी चित्र मुख्य है, और कौन से चित्र मुख्य बताए? लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के, और फिर कौन सा मुख्य चित्र बताया? गीता का भगवान। बाबा ने लिखा है कि टीन की शीट पर बनवाओ, कागज पर जल्दी फट जाएगा, कपड़े पर भी फट सकता है, तो टीन की शीट पर बनवाओ और बड़े बड़े स्टेशनों पर लगाओ। बोलो, हम कोई कमाई के लिए नहीं लगाते हैं, ये चित्र तो हमने भारत के कल्याण अर्थ अपने ही तन धन से तैयार कराए हैं, परंतु फिर विघ्न बहुत आ जाते हैं। बाबा ने दिल्ली वालों को लिखा है कि दिल्ली में 3-4 म्यूजियम हो सकते हैं, दिल्ली तो बहुत बड़ी है ना, बहुत सेंटर्स होंगे, बहुत आकर के समझेंगे,
अच्छा तो बहुत होता है, ऐसा तो कोई भी साहूकार नहीं है जो कि फट से इतना खर्चा कर ले। आने वाले तो है परंतु टू लेट हो जाएंगे। क्या ऐसे नहीं कि आएंगे नहीं, ढेर साहूकार आएंगे दिल्ली में, परंतु जब तक उनका नंबर लगेगा आने का तब तक टू लेट हो जाएंगे। याद की यात्रा में बाप कहते हैं कि बहुत मेहनत है, बे अनुमान होने के कारण भूले बहुत होती है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके भी अगर फिर भूले करते हैं तो पतित के पतित ही रह जाते हैं। लिखते हैं भूले करते हैं, एक बार भूल लिखा बाबा को पोता मिल दिया, फिर दूसरी बार भूल कर ली फिर पोता मिल दिया, फिर लिखते हैं कि हम सेंटर पर नहीं जा रहे। मैं लिख देता हूं कि भलू ऊपर नीचे हो गए फिर भी सेंटर पर जाने की मना नहीं है। क्या माया तुमको पछाड़ देती है फिर भी सेंटर पर आने के लिए बाबा मना नहीं करते। ऐसे केस बहुत होते हैं। सबसे जास्ती चोट इस बात में ही लगती है, इस बात में पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में इसमें बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते भी हो कि बरोबर हमारा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और सदगुरु भी है, हम आते ही हैं वेद के बाप से बरखा लेने, हद के बाप तो 84 जन्म मिले और ये बेहद का बाप तो सिर्फ एक ही जन्म में मिलता है। हद के बाप से हद का बरखा मिलता है अल्पकाल का, और बेहद के बाप से तो जन्म जन्मांतर का बेहद का बरखा मिलता है। आते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी। ब्राह्मणों का झाड़ ही फिर देवताओं का झाड़ बनेगा। क्या पहले शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने और ब्राह्मण से फिर देवता बने, सब देवता बनेंगे क्या? इसी जन्म में सब देवता बनेंगे या कोई बनेंगे कोई नहीं बनेंगे? ये सारे ब्राह्मण चल रहे हैं वो सब ब्राह्मण हैं, देवताओं का घर बना देंगे क्या? कौन बना देंगे? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे पक्के ब्राह्मण बनेंगे, वो ही सूर्यवंशी देवताओं का घर बना देंगे, तैयार करेंगे, और बाकी सब जो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे और वंश के होंगे। मान लो कोई ब्राह्मण से देवता बनते हैं लेकिन अधूरे देवता बनते, सोलह कलर संपूर्ण देवता नहीं बनते,
दूसरे नंबर का न्याय होगा, कितने कला का होगा? पौने 16 कला का होगा। तीसरे चौथे नंबर का नारायण होगा और उसकी जनाइसी कितने कला की होगी? 13.5। तो कलाएं तो कम होती जा रही। जब राजा की ही कलाएं कम होंगी तो प्रजा की भी कलाएं कम हो जाएगी, तो वो नया झाड़ बना देंगे क्या? वो नए झाड़ में आ देंगे 16 कला संपूर्ण में? वो यहाँ संगम युग में नया झाड़ बना देंगे भी नहीं और नए झाड़ में आ देंगे भी नहीं, तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? आप गए और भाले, क्या लिखा रामायण में? खुद भी नीचे गिरते हैं और दूसरों को भी गिर नीचे। तू भी हमारी संख्या बढ़ा, हमारी प्रजा बढ़ा, हमारी तादाद बढ़नी चाहिए। खुद भी गिरे गिरते हैं नीचे, हार खा जाते हैं और दूसरों को भी विक्रम सिखा के नीचे गिरा देते हैं। न खुद सूर्यवंशी झाड़ में आ पाते, नई दुनिया में पहुंचते और न दूसरों को आने देते। तो ब्राह्मणों का झाड़ ही फिर देवताओं का बनेगा। कौन से देवताओं का बनेगा? सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण पक्के ब्राह्मणों का झाड़ बनेगा। जो यहाँ कच्चे ब्राह्मण बनेंगे उनका घर नहीं बनेगा, बाकी का कहाँ चले जाएंगे? बाकी का परम धाम जाके बैठेंगे। हम 84 जन्म लेंगे, वो एक जन्म ऊपर बैठेंगे, कोई दो जन्म भी ऊपर बैठेंगे, कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जन्म भी ऊपर बैठेंगे, माने स्वर्ग में भी लास्ट में आवेंगे। तो जो ऐसे कच्चे ब्राह्मण बनने वाले हैं उनका संग का रंग अगर हम लेंगे, संग से संग का रंग लेंगे, उनका धन का संग लेंगे, तन का लेन देन करेंगे, धन का लेन देन करेंगे, तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा उनके साथ मन लग जाएगा। वो खुद भी जाके परम नाम में बैठेंगे, गिरती कला के युग में आवेंगे, तम कला के नारायण बनेंगे और हमको भी तम कला के नारायणों में शामिल कर लेंगे। फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म में खुद भी कन्वर्ट होंगे और हमको भी कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो बोला कि ब्राह्मणों का झाड़ ही फिर देवताओं का बनेगा, बाकी तो सब है बाई फ्लावर। जो देवताओं का झाड़ बनने वाला है अभी 30 साल के अंदर बनने वाला है कि नहीं? पक्का पक्का बनने वाला है। अगर उस पक्के देवताओं के झाड़ में हम न गए तो कहां पहुंच जाएंगे? बाईस लाख माने जो झाड़ होता है ना, तो झाड़ में जो इधर की डालियां फूटती हैं, इधर की डालियां फूटती हैं, उनको कहते हैं 22 लाख। इधर उधर के धर्मों में हमको भरमाए ले जाएंगे। ऑल राउंड पार्ट इन देवताओं का ही चलता है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, किन देवताओं का? जो सूर्यवंशी पक्के 16 कला संपूर्ण बनते हैं और जिनका नारायण भी कितने कला का होगा? 16 कला का कितने जन्म लेता होगा? 84 जन्म लेता होगा। वो सबसे जास्ती जन्म लेता होगा
कमजन में लेता हुआ जो पहले जन्म का नारायण होगा, जो पक्के पक्के ब्राह्मण जो देवता धर्म के जो पक्के होंगे उनका राजा होगा, महाराजा होगा, वो कम जन्म लेता होगा या सबसे जास्ती जन्म लेता होगा? सबसे जास्ती जन्म लेता होगा। औरों के कुछ वर्ष कम हो सकते हैं, कुछ महीने कम हो सकते हैं, कुछ दिन भी कम हो सकते हैं, लेकिन उसके कम नहीं हो सकते। ऑलराउंड पार्टधारी होगा। तो ऑलराउंड पार्टधारी बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? ऑलराउंड पार्टधारी होंगे। जो ऑलराउंड पार्टधारी बच्चे आत्माएं होंगे वो सबसे जाती अनुभवी होंगे, या जो ऑलराउंड पार्ट न बजाने वाली आत्माएं होंगी वो अनुभवी होंगी? कौन ज्यादा अनुभवी होंगे और कौन कम अनुभवी होंगे? जो पहला नारायण है वो ऑलराउंड पार्टधारी है, और दूसरे दूसरे जो नारायण है सचिव में आठ नारायण होंगे ना, वो कम जन्म लेने वाले होंगे, ऑलराउंड तो पार्ट बजाएंगे नहीं। तो जब उनके कम जन्म हो जाएंगे तो उनको अनुभव भी कम होगा, अनुभवी बाप के बच्चे भी अनुभवी होंगे, कम अनुभवी बाप के बच्चे भी कम अनुभव वाले होंगे। तो 84 जन्म सभी नहीं लेते हैं, न उनके राजा लेते हैं न उनकी प्रजा लेती। जिनके कम जन्म होते हैं, जिनको कम अनुभव होता है, वो द्वापर युग से कम अनुभवी होने के कारण उनकी आत्मा दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेगी। ये भी समझते हो कि यह नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं, समझते हुए भी फिर दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं। नहीं आएंगे? आते तो है, आप पढ़ने के बाद एक बार भी नहीं आएगी। अरे आपकी अकेले की बात थोड़ी हो रही है, सभी की बात हो रही है। ऐसे तो नहीं कि जयपुर में ऐसे है नहीं। तो पूछा, ये भी समझते हो कि ये नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता है? बात समझाते हैं कि भक्ति तो है ही उतरती कला, भक्ति माना भागते रहना, एक के पीछे भागना, फिर दूसरे के पीछे भागना, फिर तीसरा गुरु करना, फिर चौथा गुरु करना, भक्ति माना भागते रहना। बुद्धि इधर गई, फिर उधर से अनिश्चय बुद्धि हुए, फिर बुद्धि उधर गई, फिर उधर से अनिश्चय बुद्धि हुए, फिर दूसरे ठिकाने पे गई। तो बुद्धि का ठिकाना और गुरु बदलते रहते हैं, धारण करना होता रहता है। अगर पुत्री को एक पक्का ठिकाना मिल जाए तो भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? तब कहेंगे ज्ञान। अगर लगातार पुत्री भटकती ही रहे, जैसे 63 जन्म भटकती रही, और यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बनने के बाद भी पुत्री भटकती रहे, तो जिसकी बुद्धि और मन भटक जाएगा तो तन भटकेगा या नहीं? तन भी भटकेगा, तन की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी भटक जाएंगी, फिर व्यभिचारी बन जाएंगे या अव्यभिचारी देवता बनेंगे? फिर तो व्यभिचारी
धर्मों में कन्वर्ट हो जाने के। और धर्म द्वापर युग से आए ना, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। तो क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म में ज्यादा व्यभिचार फैलता है। यह भारतवासी जो थे जिन्हें भगवान ने राजयोग सिखाया वो जाति व्यभिचारी बनते हैं। जो जो दे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, या उनसे जो आज भी प्रभावित हो रहे हैं वो जाति व्यभिचारी बन रहे। क्योंकि विदेशों में ये परंपरा है क्या कि एक छोर दूसरा कर दो, दूसरा छोर तीसरा कर दो। भारत में ये प्रथा अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ तो जिसको राम बाप माना जाता है उस राम बाप की मर्यादा क्या रही, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या मर्यादा रही, जीवन में एक ही पत्नी धारण करनी है। और भारतवासी धर्मों में जो सबसे लास्ट में धर्म आया कलयुग में सिख धर्म, उनकी भी क्या मान्यता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। पूर्ण सिख धर्मों वालों में भी इतनी ताकत रही है कि जितने भी मुसलमान आए, जितने भी क्रिश्चियन आए बाहर से, उन सब का मुकाबला किया। हिंदू दूसरों से प्रभावित होते रहे, कहां कहां भटकते रहते हैं। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को काफर कहते हैं। क्या कहते हैं, काफर। कहां कहां फिरते रहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होकर के अरब देश में, ईरान अफगानिस्तान में जाने कहां कहां भटक रहे। कितने हिंदू क्रिश्चियंस बन गए, कितने हिंदू बौद्धी बन गए। तो ये है काफर, इनका कोई पक्का धर्म ईमान नहीं। तो बाप कहते हैं अभी बुद्धि में बैठना चाहिए कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। ज्ञान माने सच्चाई की जानकारी, सच्चाई की परख पहचान, सत्य क्या है उसकी पहचान। क्या सत्य है, सत्य क्या है। इस दुनिया में विधर्मियों के आने से सारी दुनिया झूठी हो गई, कोई भी सच्चा नहीं रहता है। सिर्फ एक ही सच्चा है जो इस सच्ची पर आता है तो सत्य खंड की स्थापना करता है। बाकी इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनके फॉलोअर्स करोड़ों की तादाद में है। क्राइस्ट के फॉलोअर्स आज 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस है, इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े फॉलोअर्स तादाद में। और वो सब झूठे, सारी दुनिया को झूठ खंड बनाने वाले। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया दुनिया की क्या हालत है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। एक एक कर्म झूठा हो गया है, अब सच्चा कौन बना दे, खंड कौन स्थापन करे। एक बात ही सच्चा है जो आकर के सत्य खंड स्थापन करता है। बताते हैं
भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति माना उतरती कला, इधर गुरु को पकड़ लिया, एक गुरु को उसने रास्ता बताया चलो बद्रीनाथ, वो एक ठिकाने पे ले गया। दूसरे गुरु को पकड़ा, उसने कहा चलो रामेश्वरनाथ, वो दूसरे ठिकाने पे ले गया। तो वैसे जब टाइम मनी एनर्जी होती रहेगी या नहीं होती रहेगी, तो भक्ति से उतरती कला तन भी विघटित, मन भी विघटन और सब प्रकार की मन की शक्तियां भी विघटित होती है, उसको कहते हैं उतरती कला। और ज्ञान से होती है चढ़ती कला। ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी, सत्य कौन है। जब वो आता है सत्य बात, ये सारी दुनिया में सब छूटे हो जाते हैं, एक भी सच्चा रहता नहीं। जिसमें वो मुकर्र रूप से प्रवेश करता है, क्या जिस मनुष्य शक्ति के पिता में वो कायम ही प्रवेश करता है, मुकर्र रूप से प्रवेश करता है, वो भी अंतिम जन्म में क्या हो जाता है, वो भी झूठा हो जाता है। ये मुरली को बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। मैं किस में आता हूँ, भारत में आता हूँ। जिस भारत में आता हूँ वो ही इस समय पूरा नास्तिक हो जाता है, तो और कौन सच्चा बचेगा। तो सारी दुनिया जब झूठी हो जाती है, तब इस झूठी दुनिया के मनुष्यों को मैं एक एक को ज्ञान देकर सच्चा बनाता हूँ, बनेगी तो नंबर वाली। सब सच्चे एक जैसे बन जाएंगे क्या, फिर भी बताते हैं ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है। माना रावण अनेक सिर वालों से आता है, अज्ञान भक्ति, और एक राम से आता है ज्ञान। रामलीला दिखाते हैं तो राम को कितने सर दिखाते हैं, एक सर से बोलता है, एक बात बोलेगा एक मुख से, और रावण को दस सिर दिखाते हैं तो कितने मुख से बोलेगा, दस मुख कैसे, ये तो दो वहां है, कभी एक बात करता है कभी दूसरी बात, तो दो मुख वाला हो गया। अभी है धर्म कर्म से भ्रष्ट सब, धर्म कर्म से श्रेष्ठ एक भी नहीं है, देवता ही तो श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म भ्रष्ट वाले होते हैं वो ही इनके आगे जाकर के महिमा गाते हैं कि तुम ऐसे हो और हम ऐसे हैं। कब की बात है, जन्म की बात, क्या हम कहां गाते हैं, कौन है, धर्म व्रत वाले ही इनके आगे जाकर, इनके आगे जाकर है, इनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, इन लक्ष्मी नारायण के आगे धर्म व्रत वाले ही आकर जाकर के गाते हैं कि तुम ऐसे हो और हम ऐसे हैं। चेहरों के ऊपर इशारा करेंगे, हम ऐसे राक्षस और तुम ऐसे देवता, कहां की बात, कैसे मंदिर में जाते हो तो जर्जित है, उनसे कहने न कहने का कोई मतलब ही नहीं, जर्जित है। हाँ, आखिर नहीं उन्हें चेहरे तैयार हुए, कोई राक्षस ही सुकन खा पूतना रावण कुंभकर्ण मेघनाथ और भी शास्त्र में गाए हुए हैं, दुर्योधन दुशासन, ये असुरों के नाम है ना, ये चेहरे कहां तैयार होते हैं,
अभी संग में उन्हें तैयार हो रहे तो बाप कहते हैं तुम गिरते हो तो मनुष्य से राक्षस बन जाते हो, और तुम उठते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम ही पूज्य बनेंगे। पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है, क्या तुमको तो पुजारी से पूज्य बनाने वाले अनेक नहीं है, एक ही बाप है। सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में चले जाते हैं, फिर है जीवन बंद। बाप ने समझाया है कर्म अकर्म विकर्म का राज। कर्म अकर्म तब होता है जबकि तुम सचिव होते हो, वहां अकर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम आत्म की स्थिति में रहते हो। यहां भी तुमको सिखाता हूं आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस करो, विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, मारामारी होगी। तो ये वाहन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? गुस्सा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और रहेंगे वो रहेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी या जिन्होंने अभी ध्यान ही नहीं दिया? बाप कहते हैं फिल्म देखने से सबसे जास्ती पतन होता है, उपन्यास अखबार आदि पढ़ने से नीचे गिरती कला होती जाएगी, या तो फिर इतना ज्ञान हो कि हर बात को टैली कर सके। तो बजाय उन बातों को छोड़ने के और ही सुबह से शाम तक टीवी में लगे रहे, फिल्म आदि देखते रहे, तो क्या होगा? मन बुद्धि का पतन होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, आत्म की स्थिति बन नहीं सकेगी, देह भान बढ़ जाएगा। तो अकर्म तब होता है जबकि तुम सचिव में होते हो, वहां होती है आत्म की स्थिति। रावण राज में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्यों? वहां विपरीत कर्म क्यों बनते हैं विकर्म? इसलिए बनते हैं कि वहां देह के दुख सचिव त्रेता में भोगते भोगते हमारी आठ कलाएं कम हो जाती है। आठ कलाएं कम हो जाती है तो हम देह भान में आ जाते हैं। बच्चे समझते भी है कि बाबा की बात तो बरोबर ठीक है, ये सभी बातें तुम देह के बाप द्वारा ही सुनते हो। तो अब बाप की श्रीमत पर चलना है, परंतु माया नहीं चलने देती है। क्या कहती है? कोई ना कोई रूप धारण करके माया आ जाती है। अपना चार्ट रोज देखना है, अपना कान पकड़ना चाहिए कि कान विभिचारी तो नहीं बना। एक की बात को धारण किया या अनेकों की बातों को धारण करना शुरू कर दिया? कोई कहा ऐसी 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 बात है, अच्छा हाँ ये हो सकता है, हमारे भी दिल में ऐसी बात आई थी। हट के उसकी बात कानों से सुनना शुरू कर दिए। ऐसे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जिसको सदगुरु समझ लिया मान लिया तो सदगुरु निंदा सुनिए न काना, वो पाप गौ घात समान, जैसे गौ की हत्या कर दी हो इतना बड़ा पाप बन जाता है।
गौ यहाँ कौन सी है? जो कन्याएं माताएं हैं वही गौ है। कन्याएं माताएं जो ज्ञान में चलने वाली है, एक बाप को पहचाना हुआ है या एक भगवान को पहचाना हुआ है भक्ति मार्ग में, तो कृष्ण कन्हैया कह देते हैं भगवान को। यहाँ यहाँ कौन है भगवान? एक शिव बाबा। उस शिव बाबा की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को जैसे कोई हत्या कर दे, ऐसे हत्या होती है यहाँ? कैसे हत्या होती है? विकारी बनाया माने गौ हत्या कर दी। कन्याओं को अर्पण करते हैं, ज्ञान सुनने वाली आज कन्याओं को अर्पण करते हैं, ईश्वर का बना देते हैं। कोई क्या करते हैं बजाय ईश्वर का बनाने के, मान लो कोई कन्या बेसिक नॉलेज में जल रही है, बेसिक नॉलेज में से उसने संदेश ले लिया एडवांस ज्ञान का, एडवांस ज्ञान का संदेश लिया और कोई एडवांस के ऐसे धुरंधर निकलते हैं जो उन कन्याओं को उल्टा ज्ञान सुना देते। अरे विश्व का महाराजा होगा तो क्या बिहार का महाराजा नहीं बनेगा? उड़ीसा का महाराजा नहीं बनेगा? अरे मध्य प्रदेश में भी तो महाराजा हुए हैं, वो महाराजा कोई नहीं बनेगा? अरे तुम महारानी बन सकती हो। महाराजा महारानी भी यहाँ बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बनेगा। बस बुद्धि में बात बैठ गई और सुनना शुरू कर दिया। कोई ऐसे निकलते हैं कि पूरी की पूरी माला ही डिक्लेयर कर दी, नाम दे दिए, तुम्हारा ये नंबर, तुम्हारा ये नंबर, तुम्हारा ये नंबर, 108 श्री श्री प्रत्यक्ष हो गए। श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज जिन्होंने 108 की माला बनाई वो भगवान प्रत्यक्ष हो गए। अरे इतने साल हो गए ब्रह्मा बाबा को सिखाते, इतने साल हो गए शंकर पार्टी में नाच रगड़ते, माला तो आज तक किसी ने नहीं बना पाई। और देखो हमने माला बना के तैयार कर दी। जिनका जिनका नाम आया उनकी जीभ लपलपाने लगा, हटात से छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं। एडवांस का संगठन भी सरेंडर होने के बाद छोड़ने वाले तैयार हो जाते हैं कि जहां देखे जाके क्या बात है, कौन सा ज्ञान है। कोई तो कंधे में फंस जाते हैं और कोई निकल आते हैं। तो रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर चलना चाहते हो, माया नहीं चलने देती। अपना चार्ट रोज देखना चाहिए और अपना कान पकड़ना चाहिए कि हमने कानों को विविचारी तो नहीं बनाया, आंखें विविचारी तो नहीं बनी। आत्मा अपने शरीर को चमाक मारती है ना, ये भूल नहीं करनी चाहिए। भूल हो जाती है तो दुख तो भागता है ना, आत्मा ही दुखी होती है और आत्मा ही दुखी होती है। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि हम बाप बेहद के बाप से पढ़ते हैं। क्या जब बेसिक में थे तो क्या पता था कि बेहद के बाप हमको मिलेंगे? इतने बड़े बड़े दीदी दादी दादाओं को नहीं मिले भगवान बाप, और हमको भगवान बाप मिलेंगे? सपने में भी नहीं होगा कि बाप आकर के पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल। क्या समझते थे? कभी आया था ब्रह्मा के तन में, पढ़ाई पढ़ा के सभी छोड़ दिया, इन दीदी दादी दादाओं को मिला और हमको हमको नहीं मिला। तो सपने में भी तुम्हारे ये नहीं होगा कि हमको बाप आकर के पढ़ाते हैं भगवान। अब तुम फालो तो शिव बाबा के हो,
कोई देहधारी गुरु के फॉलोअर नहीं हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो समझाते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए ना। कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ। फॉलो तो करते हो मगर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसे सब श्रीमत पर नहीं चलते। जितना हो सके रात को बच्चियों को तो खास संभाल कर बाहर जाना चाहिए। क्या कहा है बच्चों को नहीं बच्चियों को जितना हो सके रात को बच्चियों को तो खास कर संभाल कर बाहर ले जाना चाहिए। बाहर जाना चाहिए माता जी बच्चियों को बोला है कन्याओं को बोला हमारे लिए थोड़े बोला। अब जिनकी दृष्टि में माताएं ही बच्चियां हैं या कन्याएं ही बच्चियां हैं माताएं भी बच्चियां हैं। हाँ बूढ़ी माता हो पके हुए बालों वाली हो तो बात दूसरी है उनके लिए कह दिया ढाल। और जो कम उम्र वाली माताएं हैं कम उम्र वाली माताएं हो और कन्याएं हो जिनकी शादी आदि नहीं हुई वो सब क्या है बच्चियां। तो जितना हो सके रात को बच्चियों को तो खास संभाल करके बाहर जाना चाहिए। अरे बच्चियों में खुद ही इतनी अकल होनी चाहिए कि हम बिना माता के कहीं भी बाहर नहीं और माता लेकर के भी बाहर जाना क्या बड़ी बात हो गई। आजकल तो दुनिया ऐसी है कि न देखती है कि एक है जाने वाला या दो है जाने वाले हुजूम के हुजूम इकट्ठे होकर के और जानवरों की तरह हमला करते हैं। बाबा को बच्चियों का खास ख्याल रहता है। सवेरे जाती है तो मनुष्य समझते हैं कि मंदिर में आदमी जाती होगी तो सवेरे सवेरे तत्व प्रधान माहौल रहता है। तो भी अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। क्या गीता पाठशाला में जाने के बहाने आश्रम में जाने के बहाने जो टीचर सोचती है वो भी ऐसे डायरेक्शन निकाल देती है क्योंकि खुद तो उनसे आश्रम में रहकर तो उतना पुरुषार्थ होता नहीं तो समझते हैं बाहर से माताएं कन्याएं आ रहे हैं तो हम भी उनके साथ याद में बैठे तो बस रात में 4-4 बजे बुला के बैठा लेंगे। लेकिन ये ठीक ठीक नहीं है। सुबह को जब झुटपुटा होता है तब क्लास शुरू करना चाहिए। तुमको कभी जेवर आदि पहन कर नहीं निकलना है। न्याय हो माताएं हो कोई भी श्रृंगार आदि नहीं करना है। यहाँ पर भी पहन करके नहीं आना है। कहीं भी नुकसान हो सकता है फिर भी गृहस्थ व्यवहार में कहीं रखना पड़ता है कोई टाइम के लिए। परंतु माया बहुत गिराती है। खबरदार रह करके बचते रहना। अच्छा ओम।